लीजिए मूंगफली और गुड़, लेकिन इसका रेशियो रहेगा, अगर आप 500 ग्राम मूंगफली ले रहे हैं तो गुड़ का रेशियो 700 ग्राम्स रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बीच बीच में मैं वो टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपकी चिक्की बिना फेल्योर के बनेगी, बिना टाइट हुए बनेगी, इतना हार्ड नहीं होगा कि आप उसे खा ना पाए, और सारे टिप्स आपको बहुत काम आने। एक पैन लेंगे या कढ़ाई, उसके अंदर मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे ये कि हमको जो फ्लेम है उसको बहुत धीमा रखना है, लो टू मीडियम जो है आपको फ्लेम पे इसको भूनना है। इसको धीमी आंच पे ही बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने जनरली लोगों को देखा है कि वो तेज़ आंच पे मूंगफली भूनते हैं तो मूंगफली अंदर से कच्ची रह जाती है, और जब आप धीमी आंच पे भूनते हैं तो मूंगफली का छिलका काफ़ी हद तक अपना कवर हटा देता है, यानी कि वो खुद ही जो है अलग हो जाता है, आप ये देख रहे होंगे, और काफ़ी हद तक ये हमारी मूंगफली जो है भून चुकी है। अब इसको हम गैस को बंद करेंगे और इसको हम उतार लेंगे। कपड़ा लें और उसके अंदर इस मूंगफली को इस तरीके से डालें, इसको जस्ट इस तरीके से करें और थोड़ा सा प्रेस करें इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये अलग हो रहा है। अगर ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद रब करेंगे तो और भी आसानी से ये सारा छिलका अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली जब थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद आप अगर मैश करेंगे इस तरीके से तो वो जल्दी से छिलका जो है उतर जाता है। अब इसको करना क्या है, इस तरीके से इसमें डालिए और इसको पूरा छान लीजिए, ये नीचे मूंगफली का छिलका आ जाएगा और मूंगफली ऊपर रह जाएगा। छानते वक्त अगर कुछ रह जाता है तो आप अगेन उसको कपड़े में मैश कीजिए और उसके बाद इसी तरीके से छान लीजिए। आप ये देख रहे होंगे काफ़ी हद तक तो इसी कपड़े में है, ये देखिए सारा ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अगर आपका इस तरीके से नहीं टूटा है तो आप अगेन कपड़े में ले करके ये जो अदरक कूटने वाला आता है इससे थोड़ा सा दबा के तोड़ लें, इस तरीके से वो टुकड़े हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा मूंगफली बनके अब रेडी है। अब हम गुड़ की चलिए चाशनी बना लेते हैं। हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून पानी डाल रहे हैं, फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा, और इस तरीके से आप गुड़ डालेंगे। गुड़ को थोड़ा फोड़ दें और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे मेल्ट होने दें। पानी डालने का फ़ायदा ये होता है कि जो गुड़ है वो जलता नहीं है या काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आती है। अगर आप चाहें तो पानी ना भी डालें, उसके बिना भी ये गुड़ मेल्ट होगा और उसके बिना भी आप ये चिक्की बना सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए जब आप पानी डालते हैं तो आपका काम जो है थोड़ा इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। आपने अब करना क्या है, इसको जस्ट चलाते रहना है और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। और उसको कैसे चेक करना है, फ्यू ड्रॉप्स आप एक बोल में पानी लें और फ्यू ड्रॉप्स उसके अंदर डालें। अगर ये इकट्ठा होने लगे तो समझ जाइए कि आपका जो चाशनी है वो बनके तैयार हो गया है। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने पानी में डाला और ये मिक्स हो गया, इसका मतलब बिल्कुल भी तैयार नहीं है अभी। लगातार चलाते रहें और इस ड्यूरेशन में फ्लेम आपका लो ही रहेगा, तेज आंच पे बिल्कुल ना बनाएं और बीच बीच में इसी तरीके से कंसिस्टेंसी चेक करते रहें। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे बबल्स जो हैं वाइट की जगह कुछ हल्का रेड हो जाते हैं और इस तरीके से ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, आप देख रहे होंगे। पानी में डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा हो जाएगा। ये देखिए पानी में डालते ही आप देख रहे होंगे कि नीचे ये बन गया है, और ये देखिए इस तरीके से कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए। बस एक चीज़ ये देखिए, अभी ये सॉफ्ट है और हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से सॉफ्ट नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा इसका और हार्ड चाहिए कंसिस्टेंसी, ताकि हम अगर ऐसे तोड़ें तो उससे आवाज़ हो। 1 से 1.5 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है और ये देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से पानी में डालेंगे और इसको ऊपर लेंगे, ये देखिए बिल्कुल। अब ये देखिए हम इसको तुरंत ही फेंकेंगे, ये देखिए आवाज आ रही होगी आपको, फिर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज आ रही है, बस ये कंसिस्टेंसी हमारी रेडी है। स्टेज पे डालेंगे हम चुटकी भर बेकिंग सोडा और इससे बहुत अच्छी चिक्की बनने वाली है। जस्ट मिक्स इट प्रॉपरली और तुरंत ही हम इसमें डाल देंगे मूंगफली के दाने। इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें डालें मूंगफली के दाने और फटाफट इसको मिक्स करें, अच्छे से कोट करें और गैस को करें बंद, इसके अंदर अच्छे से मिक्स करें।
मेरा जो चॉपिंग बोर्ड है मैंने उसको ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर मैं इसको स्प्रेड करूंगी और फटाफट ही काम करना है आपको, इसको जल्दी से मिक्स करना है। और ये रहा हमारा चॉपिंग बोर्ड, इसके ऊपर हम इसको डालेंगे इस तरीके से और इसको हम इवन स्प्रेड करेंगे। और मार्क्स भी आपको जिस भी शेप में इसको करना है, मार्क्स भी गरम गरम में ही चाकू की हेल्प से हम लगा देंगे, क्योंकि बाद में फिर इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन नहीं टूटेगा। अब एक बेलन को हमने ग्रीस कर लिया है और इससे हम इसको इवन करेंगे। ग्रीस जरूर कर लें बेलन को, इससे चिपकेगा नहीं, ही रहेगा। तो हम इसके अंदर जो है इस तरीके से मार्क्स लगा देंगे, हम इसको स्क्वायर का रूप देने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से सारे कट लगा दिया मैंने। अब इसको हम आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए या जब तक ये ठंडा ना हो जाए तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बस इसके बाद हम पीसेस अलग कर लेंगे और ये बनके रेडी हो गया। मूंगफली की चिक्की बनके रेडी है, आप ये देख रहे होंगे, और ढेर सारी चिक्की आप ये देख रहे हैं बनके रेडी हो गया है।